हेलो देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आई नो मैं बीच में थोड़ा टाइम के लिए गायब हो गई थी गाइस, वो थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी, बट आई एम बैक नाउ। लेकिन आपको बहुत ही जल्दी एक अमेजिंग ट्रिप के व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। मे बी नेक्स्ट वीक मैं एक अच्छी सी ट्रिप पर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उसके लिए मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग व्लॉग्स जो है वो शूट करने वाली हूँ। लेकिन आज की वीडियो की अगर बात करें तो उस ट्रिप के लिए ना मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करे। आई नो भी एक हफ्ता है, बट मैंने जल्दी इसलिए बाय कर लिया क्योंकि मिंत्रा पे ना बिग फैशन फेस्टिवल सेल चल रही है जिसमें बहुत अमेजिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल रहे थे। तो मैंने सोचा यार अभी क्यों वो प्रोडक्ट्स ना बाय कर लिए जाएं। अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगी है, वैसे भी मिंत्रा से आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होना, तो गाइज अभी जाके बाय कर लो, बिकॉज अभी फेस्टिवल सेल चल रही है, फैशन फेस्टिवल सेल, जहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो फटाफट जाओ अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स बाय करो, एंड इस वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट रोलिंग। वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव हियर इज दिस वन। सारे के सारे प्रोडक्ट्स का फुल नेम अलॉन्ग विद द शेड्स एंड द प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, एंड उनके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट अप इज दिस ब्यूटी, आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट दैट अमेजिंग पैकेजिंग। ये है रेवोल्यूशन प्रो गॉडेस ग्लो शिमर ब्रिक, और मेरा जो इसमें शेड है दैट इज आफ्टर ग्लो। बेसिकली ये मेकअप रेवोल्यूशन का एक हाईलाइटर है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Would you take a moment to appreciate its packaging, to appreciate the texture, to appreciate that shimmery shininess? This is so good. यहाँ पे ना different shades मिलते हैं। मैंने after glow buy किया था जिसमें basically pink and bronzy mix से colors थे, तो like अगर आप इसको apply कर रहे हो ना तो Indian skin tone पे बहुत ही amazingly जाते हैं, and this is so good। मैं इसका ना एक आपको इकट्ठा ऐसे लेके swatch करके दिखाती हूँ। Just take a look at that. This is so amazing. Like obviously, yaar, I am going out. Like aap party wagaira pe jaate ho, you need an amazing highlighter jo aapko ekdam glazed donut ki tarah dikhaye. So this is going to just work like that. Theek hai? Because ye packing bahut achhi lagi. Formula bahut creamy sa hai, bahut soft sa hai. Like this is so good. And क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 shades हैं, आप इसको literally as an eye shadow भी use कर सकते हो। अगर आपको shimmer eye shadow चाहिए कुछ जिसमें आपको matching दिख रहा है तो आप वो use कर सकते हो। So I feel like जो afterglow shade है सारी skin tones को suit कर जाएगा, but अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपको थोड़ा deeper या dusky skin tone है तो इसमें और भी shades आते हैं। उसमें golden के tones थोड़े ज्यादा है, तो मे बी वो वाला शेड आपकी स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करेगा। सो यार दिस इज वॉट आई गॉट फर्स्ट। ऑब्वियसली अगर आप बीचेस वगैरह पे जा रहे हो, यू वॉन्ट दैट अमेजिंग सनकिस्ड लुक। लाइक वैसे भी बीच पे जाकर आपको सनकिस्ड लुक मिल ही जाता, बट वाई नॉट गो अ लिटल एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे ये बाय करा है, आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। ये है अगेन मेकअप रेवोल्यूशन लंडन का ब्रॉन्जर। इसमें जो मैंने शेड बाय किया ना दैट इज 02 वार्म। इसमें टू ही शेड आते हैं, एक थोड़ा कूल अंडरटोन का है, वो थोड़ा कॉन्टोर टाइप वर्क करता है, बट यू गाइज नो आई लव ब्रॉन्जर, मैं कॉन्टोर उतना यूज नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे ये ब्रॉन्जर बाय कर लिया। दिस इज सो बिग, लाइक यू कैन टेक अ लुक एट दैट। मेरे हाथ के साइज से लाइक इट्स कवरिंग हाफ ऑफ माई फेस, इतना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही अमेजिंग है। द बेस्ट थिंग दिस इज मैट। मुझे ज्यादातर जितने भी ब्रॉन्जर्स मैं ऑनलाइन देखती हूँ ना उसमें से वो ज्यादातर मैट नहीं होते हैं, शिमरी फिनिश वाले होते हैं, बट ये बहुत ही अमेजिंग मैट है। लाइक आप ये एक बाय कर लो ना, अगर आप ज्यादा डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करते हो, ये आपको बहुत लंबा चलने वाला है, बिकॉज ब्रॉन्जर आपको इतना ज्यादा चाहिए भी नहीं होता, चाहे आप आईज पे भी अप्लाई कर लो, सब कुछ कर लो। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ। अगेन दिस इज वेरी क्रीमी गाइज, जस्ट टेक अ लुक, एंड आई कैन टोटली सी दैट दिस इज गोइंग टू बी माई परफेक्ट ब्रॉन्जर शेड। लाइक अगर आपका फेयर टू वीटिश मेरे जैसा स्किन टोन है तो आई थिंक इस तरीके का शेड आपके ऊपर बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा पाउडरी नहीं है कि डस्ट करने पे आधे से ज्यादा पाउडर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, वो बहुत ही बेकार लगता है क्योंकि आपको दिन बार बार अपना ब्रश जो है वो प्रोडक्ट के अंदर डिपेंड करना पड़ता है। बहुत अमेजिंगली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है, एंड आई टोटली लव्ड इट। अगर आपको चाहिए ना कि थोड़ा कॉन्टो टाइप में शेड चाहिए, आपको ब्रॉन्जर आपके पास ऑलरेडी है, यू वॉन्ट लाइक अ पाउडर कॉन्टो, तो आप इसका जो 01 शेड है ना वो वाला ट्राई कर सकते हैं। आई गॉट दिस वन। ये है वैसलीन का न्यू लिप बाम, ये अभी आई थिंक रिसेंटली ही आया। इसकी पैकिंग देख के तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। दिस इज वैसलीन हर्शीज किसेस लिप थेरेपी। मेरे को बहुत इसका नेम बहुत अट्रैक्टिव लगा तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। इस तरीके की टिन वाली पैकेजिंग में आता है, इट सेज हर्शीज किसेस एंड बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं पीछे, इसका सब कुछ लिखा है। 17 ग्राम्स की क्वांटिटी है। व्हेन यू ओपन इट अप दिस इज हाउ यू रिसीव योर प्रोडक्ट। इट रियली फील्स लाइक दिस इज चॉकलेट, एंड आप इसको जब स्मेल करते हैं इट फील्स लाइक कोको कोकोआ मिक्सी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस लिप बाम। मतलब एक टिंटेड लिप बाम नहीं है, बिल्कुल हल्का सा क्लियर लिप बाम, बिल्कुल हल्का सा आपको यहाँ पे टिंट दिख रहा होगा,
बहुत ज्यादा भी टिंट नहीं है, बहुत शीयर टिंट है, लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, नरिश कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, एंड यू लाइक यू कंटिन्यूअसली फील दैट, यू कंटिन्यूअसली स्मेल दैट कोकोआ की फ्रेग्रेंस विच फील्स सो गुड, एंड बिकॉज इट हैज कोकोआ इन इट, कोकोआ आई डोंट नो लाइक कोकोआ इज कोकोनट, कोकोआ इज अ लिटिल चॉकलेटी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, इसके अंदर कोकोनट है, सो उसकी वजह से ना आपको बहुत ही लिप्स के ऊपर अच्छी खासी हाइड्रेशन फील होती है, एंड लिप्स अगर आपके चैपी और बहुत क्रैकी रहते हैं, स्पेशली भी आगे ठंड आने वाली है, ठंड में तो लिप्स की बैंड बच जाती है, लिप्स इतने ड्राई आउट हो जाते हैं, इतने क्रैक अप हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करने वाला है। देन आई हैव दिस वन, ये है पैक का ब्राउ पोमेड, इट इज मेड इन PRC, दिस इज सुपर ब्राउ क्रीम, एंड मेरा जो यहाँ पे शेड है दैट इज सिदार क्रेम। मैं ना यूजुअली, आप लोगों ने मुझे नोटिस करा होगा, मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउ पाउडर्स, मैं पेंसिल्स भी इतनी यूज नहीं करती, मैं ब्राउ पाउडर्स की तरह ज्यादा जाती हूँ, बट ना ये जो पैक का ब्राउ पोमेड है ना, इसके बारे में आई हैव हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स कि मुझे इसको ट्राई करना था। ओके, मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ, जैसे रिसीव हुआ ना मैंने इसको ओपन करा, लाइक अगर आप इसको ऐसे देखो ना, ऐसे लगता है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं कहूँ यार ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ इसके अंदर तो प्रोडक्ट है ही नहीं, लेकिन अगर लिटरली टेक लोग ऐसे लग रहा है कि एम्प्टी बॉटल है ये, बट वेन यू एक्चुअली ओपन इट अप ये थोड़ा इस तरीके से ऊपर है, यहाँ तक प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने एक्चुअली इसको यूज नहीं करा अभी तक, बट मैं इसका, ओह माय गुडनेस, दिस वाज क्रीमी एज हेल, लाइक यू कैन टेक अ लुक, ओह माय गॉड, दिस वॉज लिटरली क्रीमी एज हेल गाइज, दिस इज सो अमेजिंग। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके देखते हैं, लाइक मुझे इसका कलर पसंद आ रहा है, लाइक नॉर्मली जिस तरीके से हमें ब्राउ कलर चाहिए होता है, दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू डिप योर एंगुलर ब्रश वंस इन दिस ब्राउ पोमेड, आपको सिर्फ एक बार डिप करना है एंड आपकी एक आईब्रो डन हो जाने वाली है, बिकॉज ये उतना ज्यादा क्रीमी है। द कलर सिदार क्रीम इज वेरी गुड, इट्स काइंड ऑफ एन एशी ब्राउन प्लस ब्लैक प्लस ग्रेश सॉर्ट ऑफ कलर, जो हमारी आईब्रोज पे बहुत अच्छा लगता है। यू शुड नेवर यूज ब्लैक प्रोडक्ट ऑन योर ब्राउज, वो बहुत गंदा लगता है। आप ब्राउन की तरफ जा सकते हो, एशी ब्राउन की तरफ जा सकते हो, या थोड़ा ग्रेश अगर आपकी बहुत लाइट ब्राउज है, ठीक है। तो क्योंकि मेरी ना बहुत ज्यादा हेवी ब्राउज भी नहीं है बट ब्लैक है, तो मैं इस तरीके का जो एशी कलर्स होते हैं वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से सूट कर जाते हैं। बिल्कुल ब्राउन लगा लेती हूँ वो डिफरेंट सा लगता है, बिकॉज ब्राउ के जो हेयर है वो एकदम ब्लैक है, तो ये बहुत अमेजिंगली सूट करते हैं इस तरीके के कलर। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस इन वन ऑफ माई मेकअप लुक्स एंड शेयर इट्स रिव्यू विद यू गाइस कि किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज इसकी मैंने पिगमेंटेशन देख ली है, वो बहुत ही ज्यादा इनसेन है, एंड इस तरीके के ब्राउ पोमेड ना बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जब आपको एक हेवी फुल फेस मेकअप करना होता है तो बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं। नाउ मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, आई एम गोइंग टू अ बीच, ठीक है, कहाँ जा रही हूँ वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे। सो आई गॉट दिस, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का इन्फिनिटी आई शैडो पैलेट, मुझे इसमें बहुत ही अमेजिंग बीची कलर्स देखने को मिल रहे थे, तो मैंने इसको फटाफट ग्रैब कर लिया। मेरा जो इसमें शेड है दैट इज पिंक पैराडाइज, एंड 12 ग्राम्स की आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है। व्हेन यू ओपन इट अप दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इस तरीके का दोनों साइड पे आपको ये स्पंज टिप एप्लीकेटर मिल रहा है, इट हैज वेरी नाइस कलर्स इन इट, पीची, पिंक, ग्रीन, पर्पल, लाइट पर्पल, तो जब आप इस तरीके के बाहर बीच वगैरह पे जाते हैं ना, इस तरीके के कलर बहुत अमेजिंग लगते हैं। मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ, लाइक आई एम रियली लाइकिंग दिस पीच कलर, ओह नाइस पिगमेंटेशन गाइस, देन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस ग्रीन, एंड वी शुड स्वॉच दिस ब्यूटिफुल पर्पल कलर, लाइक इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ शिमर एंड मैट शेड्स, लाइक यू कैन टेक अ लुक, ये वाले दोनों शिमर है, देन दिस वन इज मैट शिमर, देन दीज थ्री शेड्स आर टोटली मैट, एंड देन वी गेट दिस ग्रीन एंड पर्पल एंड शिमर, एंड ये वाला बीच में अगेन वापस मैट कलर मिल रहा है, सो लेट्स जस्ट वॉच इट। ओके, द पिगमेंटेशन इज क्वाइट गुड, आई कैन टोटली टेक अ लुक कि ग्रीन कलर ना अच्छे से पिगमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इस तरीके के जो थोड़े क्वर्की से कलर्स होते हैं ना, ग्रीन हो गया, येलोइश हो गया, ब्लू हो गया, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अमेजिंग नहीं मिल पाती है, बट ये बहुत अच्छी खासी पिगमेंटेशन दे रहा है, ठीक है। एंड या दिस पिंक शेड इज वेरी वेरी नाइस, लेट्स जस्ट सी, या ओके, आई कैन टोटली फील जब मैं इसको अच्छे से स्वॉच कर रही हूँ ना, कि बहुत ज्यादा पाउडरी नहीं है। When I say powdery, what I mean is कि जब आप ब्रश पे अपना प्रोडक्ट लेके इस तरीके से डस्ट ऑफ करते हो ना, पाउडरी जो आई शेडोज या प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम निकल जाते हैं और आपके ब्रश पे कुछ बचता ही नहीं है, तो आपको बार बार अपना जो आई शेडो ब्रश या नॉर्मल कोई भी ब्रश है वो डिप करना पड़ता है प्रोडक्ट के अंदर बार बार, एंड देन आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, मतलब उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है एंड कई बार मेकअप खराब भी हो जाता है। बट इस तरीके के जो शेडोज होते हैं जो ज्यादा पाउडरी नहीं होते, तो वो अगर आप उसको डस्ट ऑफ कर भी रहे हो ना, तो प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर स्टिल रहता है एंड यू कैन क्रिएट अमेजिंग एंड नाइस लुक्स। तो मेरे को वो चीज इसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। द कलर रेंज इज वेरी गुड, मैंने बेसिकली इसको इसकी कलर रेंज के लिए ही बाय किया था, वैसे और बहुत सारे कलर्ड आई शेडोज आते हैं, बट आई टोटली लव दिस वन। अब हम बाहर जा रहे हैं और हम लिपस्टिक्स
ना करे गाइस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहली मैंने लिपस्टिक बाय करी है ये है NYX की प्रोफेशनल मेकअप पाउडर पफ लिपी। आई नो ये बहुत टाइम से मार्केट में, मैंने पता नहीं इसको क्यों अभी तक ट्राई नहीं किया था, बट फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस थिंग। मेरा जो यहाँ पे शेड है दैट इज PPL04, दैट इज स्क्वाड गोल्स। इट सेज कि ये एक पाउडर पफ लिपी है, एज इन जब आप इसको एप्लीकेशन कर लोगे इट विल गिव यू अ पाउडर लाइक रिजल्ट, लाइक इट विल लुक लाइक कि आपने एक पाउडर प्रोडक्ट अपने लिप्स पर लगा रखा है। व्हेन यू ओपन इट अप इट सेज 18 मंथ्स, तो आप इसको 18 मंथ्स तक यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू रिसीव द एप्लीकेटर, लाइक आपको इसको प्रेस करना होता है एंड देन यू गेट ऑल द प्रोडक्ट हियर। मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ द शेड स्क्वाड गोल्स लुक लाइक। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, लाइक यू कैन लिटरली यूज इट ऑन योर चीक्स एज वेल। Yeah, very nice guys, very very nice. You can actually use this on your cheeks. I love using lipsticks and tints on my cheeks. Okay, this is looking so pretty. Let's just apply it on the lips. मैंने actually थोड़ा lip balm लगा रखा है, मैं इसको remove कर लेती हूँ। Okay, lip balm is removed. The color is so good. It's looking, it's giving an MLBB sort of vibes. फील्स क्रीमी, मैंने जैसे लिपस्टिक का एप्लीकेशन किया ना, इट फील्स वेरी क्रीमी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ग्लॉसी प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। एंड इट स्टिल फील्स वेरी क्रीमी एंड वेरी हाइड्रेटिंग, लाइक जैसे लिप ग्लॉसेस अप्लाई कर रखे होते ना, बिल्कुल मुझे वैसी फील लग रही है लिप्स के ऊपर। आई डोंट नो अभी ये मैटिफाई हुई है कि नहीं, नहीं अभी तो ये बिल्कुल भी मैटिफाई नहीं हुआ। आई डोंट नो पाउडर पफ क्यों है। इट सेज पाउडर लिप क्रीम, ओके पाउडर लिप क्रीम, इट्स लिप क्रीम, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिप क्रीम है। मैं वही बोल रही थी, ग्लॉसी सी कंसिस्टेंसी, बहुत क्रीमी सी है इसकी। सो बहुत ही हाइड्रेटिंग है लिप्स के ऊपर, चीक्स पे भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। लाइक आप फटाफट अपना आई मेकअप कर सकते हो लिप मेकअप, एंड चीक्स पे भी हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। लिप्स के ऊपर दिस इज वेरी लाइट वेट, आई एम नॉट इवन फीलिंग कि मैंने कुछ अप्लाई कर रखा है। टेल यू, मैंने अभी लिप बाम लगा रखा था ना, वो मुझे ज्यादा हैवी फील हो रहा था इससे। ये तो मुझे लग ही नहीं रहा मेरे लिप्स के ऊपर कुछ है भी। Feels creamy, but the finish is totally matte now. I think that is why इसका नाम powder lip creams है। Next चीज मैंने buy किया है वो Swiss Beauty की new lipsticks हैं। This is the Swiss Beauty Hold Me Matte 12-hour liquid lipstick. मेरा जो यहाँ पे shade है that is 01 cute nude. ये बड़ी packaging में भी आती है, छोटी में भी आती है, तो मैंने छोटी वाली packaging यहाँ पे purchase करी है। इसकी packaging बिल्कुल जो Swiss Beauty के lip glosses है ना उनकी जैसी ही है। मैं इसका color आपको दिखा देती हूँ। It has a very nice brownish color. I love such colors जो मतलब ना बहुत ही brownish, मतलब light brown या light pink, light orange, इस तरीके के कलर्स मुझे बहुत amazing लगते हैं। So it is a very very nice lipstick. मैंने इसको एक दो बार use कर लिया है, एकदम totally matte हो जाती है, transfer नहीं होती है, smudge नहीं होती है, because these are liquid lipsticks and lips के ऊपर बहुत ही ज्यादा comfortable भी है। And last but not the least I got this Lakme 95 Weightless Matte Mousse Lip and Cheek Color. मैंने जो यहाँ पे कलर पर परचेज किया है दैट इज ब्लश वेलवेट। मेरे पास पहले ना एक न्यूड करके कुछ कलर था बट वो मेरा एक्सपायर हो गया था, तो इस बार मैंने ये न्यू शेड बाय करा है इसमें। लाइक दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, दैट इज वाई आई लव दिस। आप इसको चीक्स पे एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, आईज पे हल्का से यूज कर सकते हो, लिप्स पे यूज कर सकते हो। इट वर्क एज अ लिप टेंट, लिपस्टिक, ऑल द प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इसकी ना एक मूस सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि आप इसके नेम से पढ़ भी सकते हो, दिस इज वेलवेट मूस। दैट इज वाई आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच। दिस इज हाउ द शेड क्या शेड है ये, ब्लश वेलवेट लुक्स लाइक। मूस कंसिस्टेंसी ना बिकॉज बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है, आपको बहुत ज्यादा हेवी फील नहीं होती, तो अगर आप लिप्स वगैरह चीक्स वगैरह पे भी अप्लाई करते ना, तो आपकी चीक्स पर शाइनी या वियर्ड से नहीं लगते, एकदम मैट फिनिश आती है और बहुत ही लाइट वेट फील होता है। यार गाइस, दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई गॉट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है फटाफट डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मिंत्रा पे चल रही है बिग फैशन फेस्टिवल सेल, तो फटाफट जाओ एंड अपने फेवरेट प्रोडक्ट ग्रैब कर लो अमेजिंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स पे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।